थैंक यू, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करती हूँ। आज हम उनको याद करते हैं, हर साल हम उनको याद करते हैं, लेकिन साथियों थोड़े अफसोस की बात है कि जो वर्तमान सरकार है ये बाबा साहेब के नाम पर केवल दिखावा करती है। उनका नाम जरूर लेते हैं, जाकर फूल जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन जिस लोकतंत्र के लिए बाबा साहेब ने ताउम्र मेहनत की, चाहे वो सोशल जस्टिस के लिए हो और चाहे हमारे देश के, हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ के लिए कार्य किया हो, हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने एक ऐसा दुनिया के इतिहास में एक ऐसा संविधान दिया जो हमारे लोकतंत्र के लिए हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत देश की आम जनता होती है। हमने देखा कि पिछली सदी में न जाने कितने देश आजाद हुए कॉलोनियल रूल से, लेकिन ये भी इतिहास बता रहा है उसके बाद कि वहां पर चंद ही देश ऐसे रहे जहां पर लोकतंत्र पूरी तरह से मजबूत रहा है। और हमारा देश, हमारे देश की नींव जो हमारे संविधान ने रखी, दिस सर्व्स एज अ बीकन लाइट फॉर ऑल डेमोक्रेसीज, फॉर ऑल दोज कंट्रीज विच अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। लेकिन आज के दिन हमारा लोकतंत्र भी खतरे में है, जो हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, देश के लोकतंत्र को बचाने का जो प्रहरी है वो है हमारी संसद। संसद के नाम पर बिल्डिंगें जरूर बना दी जाती है, नई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन क्या संसद की नींव को हिलाने का काम नहीं हो रहा है? संसद में जो लोकतंत्र की बातें उठनी चाहिए वो तो उठती नहीं है, संसद को चलने नहीं दिया जाता है। जो हमारा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है आज उसकी नींव को हिलाने का प्रयास है, चर्चा होती नहीं, सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब दिया नहीं जाता, बड़े नेताओं के वक्तव्यों को एक्सपंज कर दिया जाता है, सत्ता पक्ष संसद की कार्रवाई रोकता है। तो क्या ये लोकतंत्र को बचाना या लोकतंत्र को मजबूत करने का इंडिकेशन है? क्या बाबा साहेब यही चाहते थे हमारे देश के लिए? आज जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उस पर कौन अटैक कर रहा है? सत्ता पक्ष। जब मंत्री खड़े होकर हमारी जुडिशरी के बारे में, हमारे जजेस के बारे में कुछ भी बोल देते हैं तो क्या उनका बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं? इस देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब खुद जजेस को बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करनी पड़ती है और कहा जाता है कि जुडिशरी और लोकतंत्र दोनों, डेमोक्रेसी खतरे में है। क्या ऐसे हम बाबा साहेब को याद करते हैं? जो दूसरे भी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनको कमजोर किया जाता है,
चाहे आपका सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, और ये तो सच्चाई है साथियों, आंकड़े हैं, सब दिख रहा है कि जितने भी आप राजनीतिक लोगों के खिलाफ केस करते हैं उनमें से 95% विपक्ष के नेता होते हैं। क्या कारण है? क्या विपक्ष की, क्या जुडिशरी की, क्या पार्लियामेंट की, क्या मीडिया की, लोकतंत्र की आजादी में कोई जगह नहीं रह जाती है? ये सवाल है जो पूछना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे पूरा देश, पूरी दुनिया बहुत उम्मीद रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद ऐसा है जो कि एक आइकॉन की तरह होना चाहिए, जो देश को एक रास्ता दिखाए। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते कुछ है, होता कुछ है, छोटी छोटी चीजें, ट्रेन फ्लैग ऑफ करना है उसका भी इवेंट बन जाता है, और किस लिए? विपक्ष को टारगेट करने के लिए हर इवेंट का इस्तेमाल किया जाता है, विपक्ष को टारगेट करने के लिए। नौकरियों की बात करते थे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे एक साल में। साथियों, आज ही सुबह अखबार में पढ़ रहे थे हम कि 70-71 हजार नौकरियां खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको लेटर्स, शायद वर्चुअल लेटर्स उनको दे रहे हैं। तो साथियों, ये हम तो चाहते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री पद की गरिमा रहनी चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की दुनिया भर में इज्जत हो, हमारा देश इस पद की इज्जत करे। लेकिन जब इस पद की गरिमा खुद इनकम्बेंट नहीं रखें, तो साथियों, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जिसकी नींव हमारे फोर फादर्स ने रखी थी, बाबा साहेब ने रखी थी, आज वो किस तरफ जा रहा है, क्या दिशा ले रहा है? बाबा साहेब ने 25 नवंबर 1949 को जब ये फाइनल बिल पायलट कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था, और मैं अब छोटा सा कोट आपके इंटरेस्ट के लिए बोलना चाहूंगी। इन पॉलिटिक्स, भक्ति इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज के दिन बाबा साहेब को याद करते हुए कि ये सच की ओर ना जाए, ये वर्ड्स प्रोफेटिक ना हो, क्योंकि उन्होंने जो लोकतंत्र की नींव रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, हम चाहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है देशवासियों पर, लोगों पर, कि वो लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ना कि केवल एक भक्ति करेंगे, केवल एक इंडिविजुअल की भक्ति, जिस तरह से इनके भक्त लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके भक्त भी आज के दिन जब बाबा साहेब को फूल चढ़ाते हैं तो ये इन बातों को याद रखेंगे। साथियों, हमारा जो दलित वर्ग है, इस सरकार की पॉलिसी से सबसे ज्यादा आज वो प्रभावित है, प्रताड़ित है। 2-3 बातें रखना चाहूंगी। सबसे गरीब 20% भारतीय लोगों ने अपनी रियल इनकम को 50% गिरते देखा है इन सालों में, इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लोअर मिडिल क्लास का 25% इनकम गिरी, और जो सबसे अमीर 20% लोग हैं उनकी इनकम 40% बढ़ी है। सबसे गरीब और गिरा है, गरीब और गिरा है, लोअर मिडिल क्लास और गरीब हुआ है, और जो अमीर हैं वो 40% और अमीर हो गए हैं।
और फिर ये कहते हैं कि अडानी जी का नाम मत लो, उनकी इनकम बढ़ रही है तो हमें गर्व होना चाहिए। तो क्या अगर हमारे गरीब की इनकम गिर रही है, क्या उस पर भी ये गर्व करना सिखाएंगे हमें? ये सवाल है साथियों। जो हमारा कमेरा वर्ग है, वर्कर्स हैं, उनकी इनकम, उनकी रियल वेज स्टैग्नेंट है, महंगाई बढ़ रही है, आसमान को छू रही है, लेकिन हमारे वर्कर की इनकम नहीं बढ़ सकती, वो वहीं पर रहेगी। दो तीन आंकड़े देना चाहूंगी। 9 साल के मोदी कार्यकाल में खेत मजदूर की रियल वेज केवल 0.9% बढ़ी है 1 साल में, एक साल। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की रियल इनकम 0.2% बढ़ी है, और जो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर है उनकी इनकम केवल 0.3%, ये एक इकोनॉमिस्ट ने स्टडी करके बताया है, इतनी बढ़ी है। साथियों, जो असली डेटा है उसको ये सरकार क्यों जानबूझकर छिपाती है? आप जानते हैं, क्योंकि सबसे गरीब लोग तो या दलित होते हैं या आदिवासी होते हैं, और वो और गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए 2012 से अब तक, और जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी हमारी सरकार ने किया था, उसका डेटा भी अभी तक रिलीज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्यों छिपा रहे हैं आप असलियत को देशवासियों से, दुनिया से? क्योंकि अगर करेंगे तो कड़वी सच सामने आएगी और आपको उसके लिए कुछ करना होगा, लेकिन आपने गरीब के लिए तो करना नहीं, आपने तो अमीर लोगों के लिए करना है। 2021 का सेंसस रोक दिया कि कोविड के कारण। तो साथियों, इस पर अगर डेटा नहीं होगा तो ना आप प्लानिंग कर सकते हैं, ना आप प्रोजेक्शन कर सकते हैं, ना वो लोग जो सबसे जरूरतमंद है, ना उनकी आप मदद कर सकते हैं। केवल दिखावा, लिप सर्विस, जो ये सरकार माहिर है करने में, केवल वो किया जाता है। अब बैकडोर से आप जिस प्रकार निरंतर लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण हर चीज का हो रहा है, तो साथियों रिजर्वेशन का फायदा तो किसी को मिलेगा भी नहीं, कम से कम होता जाएगा। नौकरियों में कहां से, क्या तो आप प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन कराएंगे तो हमारे ये वर्ग कहां जाएंगे, कहां से इनको नौकरियां मिलेंगी? क्या 50,000 का लोन देकर आप ये दिखा रहे हैं कि उनको आपने आत्मनिर्भर बना दिया है, उन्हें सक्षम कर दिया है? फिर एक दिखावा, फिर और एक स्लैप इन द फेस ऑफ द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री, यही दिखावा है इस सरकार का। और जो हमारा दलित वर्ग यूनियन बजट का हिस्सा, साथियों 19.8% 2017-18 में था, और 23-24 में ये 13.3% रह गया है। ये आंकड़े हैं, सबके सामने हैं, इसको कैसे नकार पाएगी ये सरकार? एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं, ये तो डेटा एनसीआरबी का डेटा है। इनकी सरकार में दलितों और आदिवासियों पर जो एट्रोसिटीज हैं वो एक तिहाई बढ़ गई हैं। 2021 में 50,900 क्राइम एससीज के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो कि 15 में थी 38,670, यानी 32% बढ़ी हैं। इन्हीं का समय है, इन्हीं का कार्यकाल है, अमृतकाल है। और इसी तरह से आदिवासियों के खिलाफ 8,802 क्राइम हुए थे 2021
21 में, जो कि 2016 से 34% ज्यादा है, क्योंकि 2016 में 6,568 क्राइम रजिस्टर हुई थी। ये आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, हमारे नहीं हैं, कांग्रेस के नहीं हैं। हाथरस में आपने देखा जिस तरह से हुआ कि आज तक जस्टिस मिला है, कैसे लोगों को एक्विट कर दिया गया क्योंकि सरकार सीरियस नहीं थी उसके बारे में। इस तरह का काम हो रहा है। बीजेपी आरएसएस का जो एजेंडा है, चाहे वो दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, हर तरह से, क्या वो हमारे देश के इस लोकतंत्र के का हिस्सा नहीं है? क्या उन्हें समान अधिकार हमारे संविधान ने नहीं दिया? आज उनको क्यों सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है? दिखावा होता है, लेकिन आप देख लीजिए कि माहौल कैसा बनाया गया है पूरे देश में इनके खिलाफ, अपने ही देशवासियों के एक हिस्से के खिलाफ। अगर हम नफरत का माहौल फैलाएंगे तो क्या ये देश पनप सकेगा? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, जिसे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा साहेब के जयंती के उपलक्ष्य में, तो क्या वो सच्चे मायने में लागू होता है या सिर्फ दिखावा होकर रह जाता है? कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से वचनबद्ध है कि हम, जो भी हमारा कमजोर वर्ग है, उसको हमने ऊपर उठाना है। हमने प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, हम नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करने का, और दूसरी ओर हम इस बात पर भी कमिटेड हैं कि हम सेंसस के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी किया करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे अदालत में हो या कहीं हो, जब बात आती है देने की तो ये हमेशा आड़े आ जाती है बात की, आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप किसके लिए बात कर रहे हैं, और कितनी चीजें अदालत में कमजोर पड़ जाती हैं क्योंकि डेटा नहीं है। हमने शुरुआत की, उसको ये अंजाम तक नहीं लेकर जा रहे हैं क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ये वायदा करती है कि रोहित वेमुला एक्ट, जो हम, आपने देखा है कि जहां हर तरफ समाज में तो होता ही है, लेकिन जो हमारे बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं उन पर भी किस प्रकार की एट्रोसिटी और प्रताड़ना जो की जाती है उनके खिलाफ, वहां पर भी बचाने की जरूरत है इन बच्चों को। इसलिए हम रोहित वेमुला एक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को, एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स को बचाने के लिए ये एक्ट लाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। तो साथियों, आज के दिन जब हम बाबा साहेब को याद करते हैं, ये सरकार केवल लिप सर्विस ना करे, केवल दिखावा और ढोंग ना करे, सच्चे मायने में इस देश के लोकतंत्र को बचाएं और यहाँ पर जो सामाजिक न्याय होना चाहिए उसे कमज़ोर ना करें, भाईचारा फैलाएं, नफरत का माहौल ख़त्म करें, यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। No questions? ये National Council of Social Justice, ये सब जब आपका 2024 का manifesto होगा, ये सब incorporate? हमने अपने, अभी हमारी हमारा जो महाधिवेशन हुआ था उसमें हमने adopt किया है। इसके अलावा कई राज्यों में आप लोगों की सरकार है, वहाँ पर क्या आप लोगों ने दलितों के लिए क्या स्कीम निकाली है, तो और सरकार में नहीं है बाकी जी? जहाँ दो राज्यों की हम बात करें, तीसरे राज्य में अभी हमारी सरकार अभी अभी बनी है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, और मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में भी जो कमज़ोर वर्ग है, जैसे मैं कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही अच्छा जो अच्छी पहल की हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने, कि जो वहाँ पर ऑर्फन्स हैं, सबसे गरीब तबके के होते हैं, आप समझ सकते हैं, अबैंडन चिल्ड्रन होते हैं, उनको स्टेट चिल्ड्रन का दर्जा दिया है, और सरकार 27 साल तक उनकी पूरी देखभाल और उनके भविष्य को सुरक्षित करेगी। बहुत अच्छी पहल की है, मैं बधाई देना चाहूँगी हमारे मुख्यमंत्री जी को और वहाँ की सरकार को। रही बात हमारे
छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की, आप देख रहे हैं कि लगातार, और कल भी हम छत्तीसगढ़ गए थे आदिवासी क्षेत्र में, उनके स्वावलंबी उनको बनाने के लिए नई स्कीमें शुरू की हैं वहाँ पर, और हमें बड़ी खुशी हुई कि बस्तर में, जगदलपुर में, जहाँ एक समय गोलियाँ चला करती थी, अब वहाँ पर लोग, वहाँ की खास तौर से महिलाएं, कमज़ोर वर्ग की और आदिवासी, वो आत्मनिर्भर हो रही हैं और प्रगति का हिस्सा उनकी जेब में जा रहा है, वो लोग महसूस कर रहे हैं अपने आप को सशक्त। और इसी प्रकार से आपने देखा कि जो भी कार्य होता है, चाहे हमारे राजस्थान की सरकार है, वहाँ पर भी हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बेरोजगारों के लिए, हमारे कमज़ोर वर्ग के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए लगातार कार्य हमारा चलता जा रहा है। जी, रोहित वेमुला एक्ट, आप जानते हैं रोहित वेमुला जी का एक इतना बड़ा, एक बहुत ही दुखद हादसा जो हुआ था, क्योंकि वो कमज़ोर वर्ग से आए थे और जिस तरह से उनकी प्रताड़ना की गई थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ना केवल स्टूडेंट्स या दूसरे लोगों के माध्यम से, लेकिन सरकार ने का भी उस समय कोई रोल अच्छा नहीं रहा था, केंद्र सरकार का भी आपको याद दिलाना चाहूँगी। तो उनको, ऐसे बच्चों को जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी, इन बच्चों को, ताकि जो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात है कि जो ज़्यादा होते संख्या में होते हैं और इन वर्गों से आते हैं, इनको अलग थलग किया जाता है, इनको प्रताड़ित किया जाता है, और ये बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बजाय, बाबा साहब ने कहा था कि आप शिक्षित हो, तो शिक्षित कैसे होंगे अगर वहीं पर इनके साथ एट्रोसिटी की जाएगी, इनको प्रताड़ित किया जाएगा मानसिक रूप से। आप सोच सकते हैं कि इन बच्चों में कैसी भावनाएं भर दी जाती हैं वहीं पर। तो उससे बचाने के लिए हम ये रोहित वेमुला एक्ट अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लाएंगे और हम ये एक्ट बनाएंगे ताकि बच्चों को, इन वर्गों के बच्चों को हम बचा सकें और वो फलें फूलें, अच्छा उनका आगे भविष्य हो और ज़िंदगी में वो आगे बढ़ें, ताकि हमारे देश में के जो प्रगति है उसमें कमज़ोर वर्ग जो कि ज़्यादा संख्या में है, उनका भी हिस्सा हो और वो भी इस प्रगति में अपना हिस्सा डाल सकें, ना केवल 20% लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि ये लोग भी आगे बढ़ें। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हर जगह, जैसा मैंने कहा कि हर जगह अगर वो उसकी बात रखें तो अच्छा होगा, ये बताएं कि वो क्या कर रहे हैं तो अच्छा होगा, लेकिन हर जगह उन्हें केवल कांग्रेस और विपक्ष ही नज़र आता है और हर मौके पर वो अपनी बात रखने की बजाय हमला हमारी ओर करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो राहुल जी की पद यात्रा रही, भारत जोड़ो यात्रा, उससे ये सरकार किस कदर हिल चुकी है। जैसा मैंने कहा, हमने काउंसिल बनाया, सॉरी, पहली बात मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है आपके सवाल पर कि आपने एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट की बात नहीं होती, वो कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्य मंत्री और वो मुख्यमंत्री बने, और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चाहे पहाड़िया जी थे, शिंदे जी थे, बन चुके हैं, हमारे गोमैंगो जी वहाँ पर उड़ीसा में बने थे। तो ये एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है, बदलाव था और बदलाव में चन्नी जी, उन्हें बनाया गया। तो कांग्रेस तो बार बार मौका देती है, जहां होता है मौका दिया जाता है, और सिर्फ मौके की बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस में हमारी लीडरशिप उभरती है, तो जब जहां होता है तो वहां पर उनकी भी बारी आती है। तो अभी आज के दिन
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खारगे जी हैं, तो ये नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया है. दिस इज नो एक्सपेरिमेंट, दिस इज एवरीबडी इज राइट एंड कांग्रेस पार्टी रिकॉग्नाइजेस दैट राइट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.